नमस्कार दोस्तों, ऑल फार्मिंग आइडियाज़ पे आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सूरजमुखी का पौधा कैसे उगाए उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, पर उससे पहले हम सूरजमुखी के बारे में थोड़ा जान ले। सूरजमुखी का पौधा तकरीबन 2.5 से 3 मीटर तक लंबा होता है और उसके फूल तकरीबन 20 से 45 सेंटीमीटर की गोलाई में होते हैं। एक पौधे पर एक साथ 2 से 3 फूल भी लग सकते हैं। इसके बीजों में से तेल भी निकल सकते हैं और जो हम रसोई में तलने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। इसका तेल मार्गरिन और बायोडीजल बनाने के उपयोग में भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे उगाने के तरीके के बारे में जानेंगे। सूरजमुखी को हम खेत में ज़्यादा पैदावार के लिए उगा सकते हैं, पर आज हम इसे बागीचे में सजावटी फूल के पौधे के तौर पर गमले में उगाने का तरीका देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक मीडियम साइज का गमला लेना है। उस गमले के अंदर हमें मिट्टी भर लेनी है। इसके लिए मिट्टी हमें अपने बागीचे से या अपने खेत में से खोद के निकाल लेनी है और उसी मिट्टी का हमें इसके अंदर उपयोग करना है। उसके बाद मिट्टी को हमें कोई भी नुकीली चीज़ जैसे कि ये मैं दंताली लेके उससे इसके मोटे बड़े टुकड़े को तोड़ रहा हूँ, उस तरह तोड़ लेना चाहिए। इसके मोटे टुकड़े तोड़ने के बाद हमें हमारे बीजों को अपने हाथों से इस तरह बोने हैं। हमें बीज इस तरह बोने हैं कि दो बीजों के बीच में कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी हो। अगर हम गमले की जगह बागीचे में एक लाइन में उगाना चाहते हैं तो हमें यह दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी है कम से कम। बीजों की बुआई के बाद हमें इसे पानी देना है और हमें यह ध्यान रखना है कि हमें जो भी पानी देना है उसकी मात्रा सीजन के मुताबिक रखनी है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में पानी गमले में जल्दी सूख जाता है, तो हमें पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी है। बस अब हमें इसे अपने बागीचे में एक साइड पे रख देना है और हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देता रहना है। हमें इसके पौधे 7 से 10 दिनों में उगते दिखेंगे। यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं, यह पौधे आज 8वें दिन में इतने बड़े हो गए हैं। बस अब हमें इन पौधों को ध्यान रखना है और उसे बढ़ने के लिए रोज़ पानी देते रहना है। और अगर आप इसे ठंड के मौसम में उगा रहे हैं तो इसे 5 से 6 दिनों में एक बार पानी देना है। अब कुछ जानने योग्य बातें। सूरजमुखी को हम जिस गमले में उगाते हैं उसके ऊपर रोज 4 से 5 घंटे कम से कम धूप पड़नी चाहिए। इससे इसका ग्रोथ बढ़ेगा और यह जल्दी विकसित होगा। हमें इस गमले में लगाने के बाद कोई भी तरह का रासायनिक खाद नहीं देना है, वरना यह पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें पौधे को समय से पानी देना है। इस पौधों पर 2.5 से 3 महीनों में फूल लगना शुरू हो जाएंगे और फूल को पूर्ण विकसित होने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। जब इसके फूल पूर्ण विकसित हो जाएंगे तब आपके बागीचे की शोभा इससे खूब बढ़ जाएगी। यहाँ हमारा सूरजमुखी को उगाने का वीडियो पूरा होता है। हमारी इस चैनल को बढ़िया सब्जियाँ, पेड़ और फलों के उगाने के तरीके देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर से करें। और आपके मन में कोई दुविधा या कोई सवाल हो तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। शुक्रिया।